नमस्कार, अजस्ट्रो मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ दीक्षा। अजस्ट्रो मनी गुरु से आप सभी से मुखातिब होती हूं। आज की तारीख है 21 मार्च और वार है गुरुवार। शो में हम बात करेंगे मलेशियाई पाम तेल के बारे में, जहां पर मंदी दर्ज की जा रही है। चालू सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन आरंभिक कारोबार में आई तेजी के बाद मलेशियाई पाम तेल वायदा मंदी लेकर बंद हुआ है। कारोबारियों विशेषज्ञों का कहना है कि बाजार में कोई नया दिशा निर्देशक समाचार का अभाव बना होने से व डालियान व शिकागो के स्वैत तेल में मंदी की स्थिति बनी होने से पाम तेल में ये नवीनतम मंदी आई है। हालांकि दिन के आरंभिक कारोबार में यह वायदा 0.70% तक तेज हो गया था। एक विशेषज्ञ ने कहा है कि बुर्सा मलेशिया का सीपीओ वायदा तेजी लेकर खुला था, लेकिन जल्दी ही इसमें मुनाफा वसूली बिकवाली निकल आई, क्योंकि तेजी के अधिकतर कारक व समाचार पहले ही अपनी इसकी कीमतों में समायोजित हो चुके थे। बाजार हाल ही में आई तेजी को कायम रखने के लिए नए समाचारों का अभाव महसूस कर रहा है। शिकागो सोया तेल वायदा व दक्षिण अमेरिकी सोया तेल कीमतों में मंदी की स्थिति बनी होने से पाम तेल के खरीदार भी सतर्क हो चुके हैं। कंपटीशन यानी चुनौती के इस दौर में पाम तेल का प्रीमियम बढ़ता जा रहा है। संबंधित खाद्य तेलों में होने वाले उतार चढ़ाव से पाम तेल प्रभावित होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तेल वायदा बाजार में ये दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम आपको देश दुनिया की खबरें दे सकें। आगामी अप्रैल महीने के लिए अपने क्रूड पाम तेल के निर्यात टैक्स को 8% के पूर्व स्तर पर ही बनाए रखा गया है, लेकिन इसने इसकी संदर्भ कीमत को बढ़ा दिया है। मैं बात कर रही हूँ मलेशियन पाम ऑयल बोर्ड की। वह एक स्वतंत्र जांच कंपनी एम स्पेक एग्री मलेशिया ने कहा कि एक महीना पूर्व की अलर्ट अवधि की तुलना में चालू मार्च महीने के आरंभिक 15 दिनों की अवधि में मलेशियाई पाम तेल उत्पादों का निर्यात 8.40% बढ़ा। एक अन्य कार्गो स्पेयर इंटरटेक टेस्टिंग सर्विसेज ने आलोच अवधि में इन उत्पादों का निर्यात 3.30% बढ़ने का आंकड़ा जारी किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि पाम तेल वायदा मंदा होता हुआ 4158 से 4190 रिंगिट प्रति टन के दायरे में आ सकता है। दोस्तों, अजस्ट मनी गुरु बैलेंस कम्युनिटीज पर काम करके भूमि विशेषण के साथ आपको हर जानकारी देते हैं। किसी भी पेड जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।